Hi friend, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss a landmark case of CPC which is mentioned in our case map. Dalpat Kaur versus Prahlad Singh. ये 1993 का case है और ये जो case है वो injunction पे based है जो order 39 CPC में mention है. अब इस case के fact, issue और judgment पे focus करते हैं. इस case के fact जो है वो थोड़ा सा complex हैं इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा. इस case का fact ये है कि इस case में पहले चार लिटिगेशन फाइल होते हैं यानी कि चार केस होता है. तो चारों केस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. पहला केस होता है कि जो अपलेंट होता है वो रिस्पोंडेंट के साथ एग्रीमेंट करता है एक मतलब कि उसके घर को खरीदने का और अपलेंट जो है उसको उसके घर का पैसा भी दे देता है लेकिन जो रिस्पोंडेंट होता है उसको पोजेशन नहीं देता है. तो अपलेंट जो है उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है और कोर्ट के द्वारा जो है वो सूट एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अपीलेंट को घर मिल जाता है पोजीशन यानी घर के साथ साथ पोजीशन ही मिल जाता है. तो ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है. फिर अब दूसरा केस होता है तो जो रिस्पोंडेंट यानी कि इस केस में तो रिस्पोंडेंट हार गया अपीलेंट जीत गया. तो अब अगला केस में क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट की वाइफ होती है वो सूट फाइल करती है अपीलेंट के अगेंस्ट में और कोर्ट से टेम्प्रोरी इंजंक्शन मांग करती है डिस्पोजेशन के लिए यानी कि वो जो घर कोर्ट ने पहले अपीलेंट को दे दिया था अब उसकी वाइफ चाहती है कि फिर से हमको मिल जाए. तो जब वो इंजंक्शन के लिए अप्लाई करती है तो ट्रायल कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता है और साथ ही साथ हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है. तो दूसरा केस भी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है. अब आते हैं तीसरे केस पर. तीसरे केस में क्या होता है कि रिस्पोंडेंट के जो बच्चे होते हैं यानी कि बेटे होते हैं अब वो फाइल सूट फाइल करते हैं और क्लेम करते हैं प्रॉपर्टी और इंजंक्शन ग्रांट मांगते हैं इस ग्राउंड पे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो अपने फादर के डिसीजन के लिए उनके बेटे बाउंड नहीं है. इस ग्राउंड पे वो इंजंक्शन ग्रांट कर इंजंक्शन के लिए डिमांड करते हैं लेकिन जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही फिर से रिजेक्ट कर देती है. यानी कि सबसे पहले बीवी मांगने गई बीवी को नहीं मिला तो फिर उसके बेटे मांगने गए बेटे को भी नहीं मिला तो फिर चौथा केस होता है और चौथा केस में वो रिस्पोंडेंट खुद केस करता है. और इस बार जब केस करता है रिस्पोंडेंट तो वो क्लेम करता है कि अपीलेंट जो है वो उसका काउंसिल था यानी कि उसका वकील टाइप का समझो आप वकील था और चूंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा और तेज़ था तो उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लिया और जिसकी वजह से मैंने उसे सामान अपनी प्रॉपर्टी जो है बेच दी है इसलिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए और टेम्प्रोरी इंजंक्शन जो टेम्प्रोरी इंजेक्शन मुझे चाहिए डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का यानी कि वो प्रॉपर्टी जो मेरी प्रॉपर्टी उसे दी गई है उस प्रॉपर्टी को आप वापस दे दीजिए. तो ट्रायल कोर्ट जो है फिर से रिजेक्ट कर देती है लेकिन हाई कोर्ट जो है वो अलाउ कर देता है. तो ये इस केस का फैक्ट है यानी कि सबसे पहले अपीलेंट रिस्पोंडेंट से उसका घर कोर्ट के माध्यम से ले लेता है. दूसरे केस में वाइफ वापस मांगने जाती है लेकिन नहीं मिलता है. तीसरे केस में बेटा वापस मांगने जाता है लेकिन नहीं मिलता है. चौथे केस में रिस्पोंडेंट खुद मांगने जाता है ट्रायल कोर्ट नहीं देता है लेकिन हाई कोर्ट टेम्प्रोरी इंजंक्शन ग्रांट कर देती है. तब फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है. अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन की बात करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो है वो सर्टेन प्रिंसिपल ले डाउन करता है टेम्प्रोरी इंजंक्शन को ग्रांट करने से पहले. पहला ग्राउंड ये है कि टेम्प्रोरी इंजंक्शन तब ग्रांट किया जाता है जब टेम्प्रोरी इंजंक्शन मांगने वाला कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर दे कि उसके पास गुड डिफेंस है क्लेम करने के लिए. दूसरा ये है कि अगर बंदा जो है यानी कि जो पार्टी है जो इंजंक्शन मांग रही है वो एक ट्राइबल इशू को रेज करता है तो भी मिल जाएगा टेम्प्रोरी इंजंक्शन. और तीसरा ये है कि लेकिन अगर टेम्प्रोरी इंजंक्शन मांगने वाला जो पार्टी है अगर इल्यूजरी या फिर फ्रॉड कर रहा है या फिर मिसरिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर उसको टेम्प्रोरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा. तो अब इस केस में आते हैं. इस केस में जो रिस्पोंडेंट होता है जिसको चौथे केस में अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है इस ग्राउंड पे कि उसने उसके काउंसिल था और उसने मिसरिप्रेजेंट किया है या फिर फ्रॉड किया है और उसको अपनी चिपनी चोपड़ी बातों में उलझा करके ज़मीन उसने बेच दी थी इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट उसको
इंजंक्शन ग्राउंड करता है, और जब सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसके पास एक वैलिड ग्राउंड नहीं है कि उसको इंजंक्शन ग्रांट हो सके, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो सोच समझ करके एग्रीमेंट किया था प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और उस एग्रीमेंट के एवज में उसको कंसीडरेशन यानी कि मनी भी मिला था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट था वो वैलिड था। इसलिए आप अपीलेंट को नहीं कह सकते हैं कि उसने फ्रॉड किया है या फिर मिस रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड करते हुए जो प्रॉपर्टी होती है वो अपीलेंट को ही दे देती है, और कहती है कि हाई कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन को ग्रांट करने में जल्दीबाजी बरता है और उसने सारे प्रोविज़न यानी प्रिंसिपल को अच्छे से ध्यान में नहीं रखा, इसलिए हाई कोर्ट इस मामले में गलत था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।